विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के लिए कृषि प्रधान विधानसभा है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ की रोजी रोटी या यहाँ का रोजगार ले लो मुख्य रूप से कृषि है। तो हमारे जो कमी है कि किसान के खेत में पानी की कमी की वजह से हमारे जो उसकी जो उपज है वो हमारी 25% की नहीं हो पाती है। तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि किस तरह से खेत के में किसानों के खेत में पानी आए। पीने का जो पानी जो बिसलपुर से जो मिल रहा है अभी गाँव के अंदर हमारे 35 लीटर मिल रहा है, वो हमारा 55 लीटर से लेकर 70 लीटर कैसे बढ़े, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने लोकल सोर्स जो कुएं खोदे उनके अंदर फ्लोराइड का पानी निकल रहा, पहले अच्छा था, बाकी जैसे जैसे भूल जल स्तर नीचे जाने की वजह से उसमें फ्लोराइड हो गया। पानी की क्वालिटी कैसे सुधरे इसके लिए हर घर के अंदर जो पानी जा रहा है वो 100 लीटर तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ERCP में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जल संसाधन जल शक्ति मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह जी ने जो योजना पे काम करना चालू कर दिया, पहली उनकी बैठक मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के मध्य में हो चुकी है। उनकी वार्ता लगभग चालू है, नई DPR बन रही है, उसमें जो काम कमी थी उसका संशोधन कर रहे हैं, आने वाले महीने भर के अंदर उस पर काम करके पहला हमारी प्राथमिकता है कि हमारे 13 जिलों में पीने का पानी और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर खेत में सिंचाई के लिए पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। लंबे समय से मालपुरा में कृषि विश्वविद्यालय आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी जो भी मैं कह नहीं सकता है कौन से बजट आएगा, लेकिन 5 साल के अंदर कृषि महाविद्यालय 100% खोलेंगे। जिस मुद्दे को लेकर पिछले 15 साल से आप मालपुरा से जीत दर्ज कर रहे हैं वो प्रमुख मुद्दा है यहाँ से पलायन का और यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का, क्या रहेगा इसका? सबसे बड़ा मुद्दा ये है हम किस तरह से उसके लिए क्या कार्य योजना बना सकते हैं, किस तरह से जो रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री जो बेच के जाता है वो रजिस्ट्री को कैसे रोकी जाए, किस तरह से उसके लिए कैबिनेट में डिसीजन करके मुख्यमंत्री से बात करके उसमें कुछ निर्णय करेंगे जिससे हमारा प्लान रुके और वो मकान बिकाऊली नहीं हो तब जाके इसका प्लान होगा, उसके लिए हम 100% उसको काम करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेन हाईवे के ऊपर जाने से धार्मिक जुलूसों को रोका जाता है, हो सकता है किसी मोहल्ले के अंदर किसी जगह जाने का हो तो उस जगह जरूर सोचेंगे कि वहाँ नहीं जाए या नहीं जाए नहीं करें तो वो तो हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बाकी जो हाईवे पे जो भी जाते हैं उसे रोका जाता है, उन जुलूसों को हाईवे पे निकलेंगे। आम आदमी का मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार का हम पूरी पालन करेंगे, किस तरह से उसका मौलिक अधिकार का उसको बेनिफिट मिले आम आदमी को, जो रोका गया है पिछली सरकार ने जो तुष्टिकरण की उसके पहला काम हमारा यही आज़ादी के इसके लिए पूरी तैयारी करके जो भी होगा जहाँ जहाँ हो सकता है क्या व्यवस्था हो सकती है, जमीन कितनी उपलब्ध है, जमीन की उपलब्धता के आधार पर उसका लैंड किस चीज की है, चरागाह है शिवाई चक है, कि उसका सारा देखने के बाद काम कुछ 100% इसमें हम काम करेंगे, हमारे समाज के लिए प्राथमिकता है। अब 2026 के अंदर जो परिसीमन होगा आपने जिला बना दिया उसके अंदर डेढ़ विधानसभा आ रही है, जिले से दूसरी नहीं जा सकती, डेढ़ को उसका दो कैसे करें या अकेली विधानसभा कैसे, इसके लिए कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कहाँ से बजट आएगा, इसके लिए पूरी समीक्षा करेंगे हमारी सरकार, उस पर समीक्षा करने के बाद में जो भी डिसीजन होगा उसमें 100% उस पर काम करेंगे आने वाले महीने भर के अंदर। इसमें हमारी सरकार सोचेगी कि ये जिला लायक है नहीं, कई तो ऐसे हो कि एक एक विधानसभा का जिला बना के वो चले गए। आज मैं केकड़ी की बात करूँ तो केकड़ी के अंदर आज डेढ़ विधानसभा, अगर परिसीमन होता तो डेढ़ विधानसभा, तो डेढ़ विधान दूसरे विधानसभा हम कैसे जाएगी, परिसीमन 2026 में होगा तो कैसे बनाएंगे, या तो एक विधानसभा रहे या दो रहे या तीन विधानसभा रहे, तो उसके लिए दोबारा समीक्षा करके जहाँ जहाँ कौन कौन से जिले के अंदर क्या हो सकते पूरा समीक्षा करके 100% हमारी सरकार काम करेगी, जिससे मालपुरा का अहित न हो। उन्होंने आनंद फानंद में केवल वोटों के आधार पर उन्होंने घोषणा करी है, उन्होंने कभी इसमें नहीं देखा गुण अवगुण नहीं देखा कि इससे, या तो कोई भी चीज़ करनी चाहिए थे 2 विधानसभा के हिसाब से करते या 4 विधानसभा के हिसाब से जिले बनाने चाहिए थे, उसकी संख्या देखनी चाहिए थी आगे कितना दिक्कत आएगी, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, सिर्फ जिसने जो मांगा वैसे घोषणा करने में तो करके रिजल्ट आज मौके पर केकड़ी चले जाओ कहीं चले जाओ, आज टोडाराय सिंह क्षेत्र की 20 पंचायतें न तो पंचायत जिला परिषद में टोंक वाले सुन रहे हैं न केकड़ी वाले सुन रहे हैं, उनका कौन मालिक है, बिजली वाला कौन मालिक है, कोई है नहीं। इस पर सारी समीक्षा करेंगे कैसे उसका लोगों को बेनिफिट मिले, प्रॉपर किस तरह से उसका कार्य योजना बनानी है, ये हम काम करेंगे। सर टोडारा किस तरह से सांगानेर मालपुरा केकड़ी और बीलवाड़ा तक ये हाईवे कैसे डबल हो, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, सबसे प्राथमिकता उसके साथ साथ ये भी हमारे करता है कि इसको बहुत जल्दी हम काम चालू करें रेल की मांग के लिए, क्योंकि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी 8 से 13 के अंदर उन्होंने एक MOU किया था जिसके अंदर आधा पैसा राज्य सरकार को देना था और आधा पैसा केंद्र सरकार को देना था, जबकि स्थिति ये थी कि राज्य सरकार क्योंकि उन्होंने गलत MOU गलत किया था, या तो केंद्र सरकार से करते
उसके ऊपर समीक्षा करेंगे कि राज्य सरकार का बजट कैसे आएगा। और जिस तरह से 19 जिले और 3 की और घोषणा कर दी तो उनके तो 50,000 करोड़ का बजट तो अभी कहाँ से आएगा, अभी तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले तो तकलीफ तो यही है, घोषणा करना अलग चीज़ है, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना, किस तरह से रेवड़ा बांटनी। और जो हमारा जो मूल बजट था, आज मैं छोटा सा बताऊँ, जल जीवन मिशन के अंदर जो केंद्र सरकार का जो पैसा था वो पैसा तो लगा दिया, इनके हिस्से का जो पैसा लगना था राज्य सरकार, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया उसकी पूर्ति। पहले तो वो पूर्ति करनी पड़ेगी, जब केंद्र सरकार के पैसे आएगी, सब नियमों से पैसे आते, नियमों से सरकार चल रही, तो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, बड़ी सौगात सबसे बड़ी सौगात है कि हमारा किसान खुशहाल हो, यहाँ व्यापार चले, और जिसके खेत में पानी आ गया, जिसके 5,000 की पैदा हो उसकी 50,000 की पैदा, इससे बड़ा तो खुशहाल कोई है ही नहीं, इससे बड़ा कोई है क्या? एग्रीकल्चर से बड़ा कोई है क्या? और हमारा जो हाईवे जो बनेगा करेगा, ये वो योजना हाईवे, ये सारी योजना 70-80 हज़ार करोड़ की योजना का बेनिफिट राजस्थान मालपुरा विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी सौगात है आने वाली हमारी सरकार की।